आमणिया गांव के इन खूबसूरत रास्तों पे घूमते हुए आज हम आ पहुंचे हैं साउथ गुजरात के आंबापानी इको टूरिज्म साइट पे। आप यहां कार या बाइक से आ सकते हैं। यहां की एंट्री फीस 25 रुपए पर पर्सन है और अगर साथ में कैमरा ले जाना हो तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। इसे साल 2020 में ओपन किया गया था। तो आइए घूमते हैं आंबापानी इको टूरिज्म साइट में। इस पूरे एरिया को काफी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। नेचुरल ग्राउंड के पास यहाँ पे टेंट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये टेंट आने वाले टूरिस्ट के रहने के लिए अवेलेबल है। इसे काफी अच्छी तरीके से इको फ्रेंडली रखने की कोशिश की गई है, जिससे इसके अंदर कम बिजली में भी ज्यादा रोशनी और ठंड अच्छी रहती है। आगे चलने पर राइट साइड में विजिटर सेंटर है, जहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा और आगे जाने पर राइट साइड में फूड कोर्ट दिखेगा। यहाँ काफी रीजनेबल भाव में आप चाय, नाश्ते, कॉफी या गन्ने के जूस का मजा ले सकते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सभी चीजें जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। फूड कोर्ट के सामने ही सिटिंग एरिया और रिलैक्स होने के लिए जगह बनाई गई है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया है। इस पाथवे का इस्तेमाल लोग नेचर की गोद में वॉकिंग और जॉगिंग करने के लिए करते हैं। पाथवे के बाजू में ट्री हाउस बनाए गए हैं, जिसे यहाँ का मुख्य आकर्षण भी माना जाता है। देखने में तो ये काफी खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए ऊपर चलकर देखते हैं। यहां से आपको पूर्णा नदी का मनमोहक किनारा दिखेगा। चलिए अब किनारे की ओर चलते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश होने पर सेफ्टी पर्पस के लिए क्लोज रखा जाता है। ये है वाटर स्पॉट्स और बोटिंग के लिए बोटिंग डेक। चलिए थोड़ी बोटिंग करके देखते हैं। खुले आसमान के नीचे चारों तरफ पानी देख के गर्मी के मौसम में काफी अच्छा लगता है।
पानी के अंदर आपको मछली के अलावा रिवर मॉस और कई तरह की पानी की वनस्पति देखने मिलेगी। कई जगह पे यहाँ पानी काफी गहरा होने की वजह से पूरी सेफ्टी के साथ ही आए। बोटिंग और फोटोज क्लिक करने में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस अंदर आ गए हैं। अगर आप यहां आते हैं तो बोटिंग और ट्री हाउस का मजा लेना मिस मत करिए। हम दूसरे पैथवे से पार्किंग की ओर जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।